लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा कि ईपीएफओ मेंबर्स के लिए खुशखबरी है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी खुशखबरी है ईपीएफओ मेंबर्स के लिए। फ्रेंड्स, एक न्यूज आ रही है जिसके मुताबिक मोबाइल ऐप से भी निकाल सकेंगे पीएफ। ईपीएफओ के लगभग 4 करोड़ मेंबर्स को इसका फायदा होगा। फ्रेंड्स, जल्द ही मोबाइल ऐप के जरिए पीएफ निकाला जा सकेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे ईपीएफओ भी कहा जाता है, जल्द ही मोबाइल ऐप उमंग के जरिए क्लेम सेटल करने की तैयारी कर रहा है। लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में बताया कि ईपीएफओ पीएफ क्लेम की एप्लीकेशन ऑनलाइन रिसीव करने के लिए ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस भी डेवलप कर रहा है। इससे लगभग 4 करोड़ मेंबर्स को फायदा मिलेगा। लेबर मिनिस्टर ने कहा कि न्यू एज गवर्नेंस के लिए एप्लीकेशन को यूनिफाइड मोबाइल ऐप से जोड़ा जाएगा। हालांकि मोबाइल ऐप के जरिए क्लेम सेटलमेंट शुरू करने की कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया गया है। इसी में हम आपको बता दें कि ईपीएफओ ईयरली 1 करोड़ एप्लीकेशन पीएफ विड्रॉल, पेंशन फिक्स करने या ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट सेटलमेंट के लिए रिसीव करता है। यह सेटलमेंट मैनुअल किया जाता है। ईपीएफओ के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक 123 फील्ड ऑफिस में से 110 फील्ड ऑफिस पहले से सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट किए जा चुके हैं। ऑनलाइन क्लेम सेटल करने की फैसिलिटी शुरू करने के लिए सभी फील्ड ऑफिस को सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होना जरूरी है। फ्रेंड्स, लेबर मिनिस्टर ने बताया कि ईपीएफओ ने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे को टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर जोड़ा है। इसके अलावा ईपीएफओ अपने 3 सेंट्रल डाटा सेंटर्स दिल्ली, गुरुग्राम, सिकंदराबाद में लेटेस्ट इक्विपमेंट भी लगा रहा है। इससे पहले सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने कहा था कि ईपीएफओ मई से ऑनलाइन क्लेम सेटल सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ईपीएफओ का टारगेट मेंबर्स के ऑनलाइन अप्लाई करने के 3 घंटे के अंदर पीएफ क्लेम सेटल करना है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।